हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास टेंथ बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास टेंथ बायोलॉजी में हम लोगों का चैप्टर जो चल रहा था अनुवांशिकता एवं जैव विकास में, अनुवांशिकता एवं जैव विकास के चैप्टर में हम लोगों ने जो मेंडल के नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम, तीन नियम दिए हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था उसी के आधार पर एक वैज्ञानिक आते हैं कार्ल कारंस। ये जब आते हैं तब एक और नियम लेकर आते हैं, इसका नाम देते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो ये जो है अपूर्ण प्रभाविता मेंडल के नियम का क्या होता है, अपवाद हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर शुरुआत करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। सबसे पहले इसकी थोड़ी परिभाषा देखेंगे, परिभाषा जानने के बाद तब हम इसके जो भी संकरण कराने की विधि है उसके बारे में समझेंगे। आइए देख लेते हैं अपूर्ण प्रभाविता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। प्रभाविता का मत, प्रभाविता की इंग्लिश क्या होती है, डोमिनेंस, लेकिन अपूर्ण लग गया तो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या कहा गया है कि किसी विषम युग्मन जीव या संकर लक्षण में जब कोई प्रभावी कारक अपना पूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता तो किसी हद तक अप्रभावी लक्षण भी प्रदर्शित हो जाता है। इस प्रकार दोनों ही प्रभाव, मतलब जो प्रभावी है और अप्रभावी है, प्रभावी और अप्रभावी प्रदर्शित होते हैं, तो उसे ही अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि जब दो लक्षणों को, मतलब एक इधर लाल और सफ़ेद लक्षणों को लेकर जब क्रॉस कराया जाता है तो उसमें जो भी लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसमें कुछ प्रभावी होते हैं और कुछ अप्रभावी भी होते हैं। इसके बाद कहा गया कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो 1903 ईस्वी में कार्ल कारंस ने की थी। इसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने क्या बताया था कि यह मेंडल के नियमों का अपवाद है। इन्होंने कहा कि जो अपूर्ण प्रभाविता है यह मेंडल के नियम का अपवाद है। अभी आप लोगों को ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे, समझ में आएगा। इसके बाद अपूर्ण प्रभाविता की खोज तो कारंस ने की थी, लेकिन ये किस पर किए थे, तो गुलाबास का एक पौधा होता है जिसको कहते हैं 4 o'clock प्लांट। क्यों? क्योंकि ये सुबह चार बजे ही खिलने वाला पौधा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, 4 o'clock प्लांट, जिसको बायोलॉजिकल भाषा में इसका नाम क्या है, मैरी विलस जलापा। एक नंबर में पूछा जाता है कि जो अपूर्ण प्रभाविता है किसी इसकी खोज किस पौधे पर की गई थी, तो या गुलाबास का पौधा था, या इसे आप लोग कह सकते हो 4 o'clock प्लांट, या अगर जियोलॉजिकल भाषा में पूछा जाए तो उसे हम कह सकते हैं मैरी विलस जलापा नामक पौधे में देखा गया था। तब इन्होंने क्या किया, किसने, कार्ल कारंस ने एक तरफ क्या लिया, लाल पौधा लिया जिसको कैपिटल आर, और एक तरफ सफ़ेद पौधा लिया जिसको स्मॉल आर से प्रदर्शित किया। तो ये जो कैपिटल आर और स्मॉल आर होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, जनक हो जाते हैं। जनक से फिर क्या होता है, जनक से युग्मक को अलग अलग करते हैं। तो हम यहाँ से एक एक युग्मक को अलग अलग कर लेंगे, यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से कैपिटल आर, इधर भी हम स्मॉल आर को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से जब हम स्मॉल आर को अलग कर लेते हैं, फिर इसके बीच जब निषेचन होता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो यहाँ बनेगा क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये हमारी कौन सी पीढ़ी हो जाती है, यफ वन पीढ़ी। अब यहाँ देखिए, अगर मेंडल के नियम से आप लोग चलेंगे तो ये, अगर पौधे का कलर पूछा जाए ये किस कलर का होगा, तो अगर मेंडल के नियम से चलेंगे तो ये लाल पौधा होगा। क्यों? क्योंकि मेंडल ने बताया था कि जो प्रभावी होते हैं वही अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, बाकी अप्रभावी जो होते हैं अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन जब ये वैज्ञानिक आते हैं अपूर्ण प्रभाविता लेकर, तो उसमें कहते हैं कि कुछ हद तक प्रभावी भी होता है और अप्रभावी भी होता है। तो अगर हम इसके पौधे की बात करें तो इसका पौधा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ गुलाबी पौधा हो जाएगा। कौन सा पौधा हो जाएगा, गुलाबी, ये भी गुलाबी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर लाल में हल्का सफ़ेद मिलाएंगे तो गुलाबी कलर का हो जाता है, इसीलिए इन्होंने इस पौधे को नाम क्या दे दिया, गुलाबी पौधा दे दिया। मेंडल आते तो मेंडल क्या करते, ये मेंडल के लाल कर देते, लाल पौधा, क्योंकि वो प्रभावी है, प्रभावी अपना प्रभाव प्रकट करता है, प्रभावी छिपा रहता है। तो इसके बाद फिर यफवन पीढ़ी जब मिल जाती है तो यफवन पीढ़ी का क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ हम लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन।
अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है? जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम जब टूट जाते हैं तो क्या उसे ही क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तब ये F1 पीढ़ी मिल गई, अब F1 पीढ़ी का क्या कराएंगे? स्वपरागण कराएंगे। अब F1 पीढ़ी का जब हम स्वपरागण कराएंगे तो इसमें से भी युग्मक को अब हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग कर लेंगे। इधर से भी जब हम युग्मक को अलग 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 कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर हो जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। F1 पीढ़ी का जब हम लोग स्वपरागण कराएंगे तो इसके भी युग्मक को अब अलग अलग कर लेंगे, इसके भी किया क्या हो गए? युग्मक अलग अलग हो गए। अब इसके बीज भी हम संकरण कराएंगे। जब इसके बीज हम संकरण कराएंगे तो जो हमें पौधे मिलेंगे, एक निश्चित अनुपात में पौधे मिलेंगे, तो ये कैपिटल आर इधर कैपिटल आर से संकरण करेगा तो ये कैपिटल आर बन जाएगा, ये कैपिटल आर इधर स्मॉल आर से संकरण करेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा, फिर ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, फिर इधर से स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें एक पौधा क्या मिला है? लाल मिला है। ये एक पौधा क्या मिला है? लाल मिला है। और ये जो दोनों पौधे हमारे कैसे हैं? गुलाबी हैं, गुलाबी हैं। इसके बाद जो एक पौधा है कैसा है? सफ़ेद है। एक पौधा जो है सफ़ेद है। मेंडल के नियम से चलते तो ये भी हमारा लाल में परिवर्तित हो जाता, क्योंकि जो प्रभावी है मेंडल के नियम में, जो प्रभावी है वो अपना लक्षण प्रकट करता है, जो अप्रभावी अपना प्रभाव नहीं प्रकट करता है। लेकिन वैज्ञानिक आते हैं, काल कारण्स आते हैं, तो उन्होंने कहते हैं कि नहीं, उसमें कुछ प्रभावी भी होते हैं और कुछ अप्रभावी भी होते हैं। यहाँ अगर अनुपात निकालेंगे तो यहाँ हम अनुपात क्या निकालेंगे? लाल का एक पौधा अनुपाते गुलाबी का दो पौधा, इसके बाद सफ़ेद का एक पौधा। तो यहाँ कह सकते हैं कि कैपिटल आर अनुपाते कैपिटल आर स्मॉल आर अनुपाते स्मॉल आर, मतलब एक अनुपाते दो अनुपाते एक। तो ये हमारा अनुपात निकल गया। ये पूरा रहा अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।